नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश इन दिनों खासा सुर्खियों में है। एक से बढ़कर के एक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग खासतौर से नीमच की घटना सुर्खियों में है। और अब ये नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा का मामला है। पहले वीडियो देखिए। ए मम्मी बाहर उठ जानती सर, आ तुम्हारी बाइक चुप ना तुम्हारी। सुनिए सुनिए, ये फालतू पंचायत है। यहाँ का डीआईयू में जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उतना होना चाहिए यहाँ पर। ये तो एक के चक्कर में ना सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई ये अपना ट्रैक्टर बाहर निकालिए, ट्रैक्टर को पूरे घर को मिल जाए। आप शांत रहिए, मेरे को मतलब नहीं है सीधी बात। यदि उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है तो तुमने क्यों चढ़ा के उसे मार दिया? लड़के कहाँ है? वो तीन लड़के नहीं मिले ना तो सबको जेल भेजूंगा मैं, ध्यान रखना। तुम अपने आराम से मुलजिम में नाम देंगे ना, फिर मुलजिम बनाऊंगा। लेके डायरी मेरी, सबके नाम लिखो, कितनी वो कर रहे पढ़ाई आज मेरे भाई और दो तीन लड़के और थे जो कि नदी गए होते नहाने के लिए, है ना। तो राजी वाले आते हैं, उनको पता नहीं था, उनको पता था कि नदी से पकड़ने वाले को आते हैं। तो मेरे भाई तीन चार लड़के वहाँ पे थे, तो राजी वाले आए, उन्होंने उनको पकड़ा, मारा लग गया था ना। फिर लड़कों को पकड़ के घर लेके आ रहा, मेरे पास बोलते थे मेरे का फुटवाता ये करता बदतमीजी करने लगे, और ऐसे मक्का थुक्की करने लगे, लत मारने लगे, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने भी पकड़ने अपने बचाव किए, तो अपने बचाव करते करते उनके बाद उनको चोट आ गई। इसके बाद में कुछ लोग और आने चाचा जी लोग, उन लोगों ने सबका बचाव किया, उनको अलग किया, उन्हें पकड़ के देखो अलग किया, मतलब सबको है ना। इसके बाद मेरे लोग तेंदु खड़ा आए, जहाँ देखा खड़ा, तो यहाँ से एक टीआई सर आए, उस टीआई सर ने घर के सामने सारे दुकानी रोकी, गुंडा का दिख कर घर के अंदर आ गया, बदतमीजी करने लगे, उसको बोला उसको गाली भी दी, और बोलने लगे कि तू मुझे कैसा करता है, तू कैसा करता है, गुंडागर्दी करते हो तुम लोग। मैंने बोला सर आप क्या रेत चोरी करते हो? नहीं नहीं, आपके पास ट्रैक्टर है? ट्राली में बिल्कुल भी रेत नहीं है, घर पे ट्रैक्टर ढीला हुआ तो मैं पत्थर नहीं करने जाने वाला था थोड़ी देर में, और आके बदतमीजी करने लगे। किस गांव की घटना है? किस गांव की? ये सहेली अमलिया, दो ही सहेली अमलिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है। मैंने बोला सर आप हमारी सुन लीजिए, तो बोल रहे थे सर टीआई सर बोल रहे थे कि मैं टीआई हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उन्होंने एक रजिस्टर भी मंगाया था कॉन्स्टेबल से कि एक रजिस्टर लाओ, इन चार लड़कियों का नाम लिखो, ऐसे उन्होंने बोला था। हम लोग बहुत तराने की कोशिश कर रहे थे, कोई महिला कॉन्स्टेबल बनाऊंगा, मैं केस कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, बहुत डराया, और हमको बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, और मेरे घर को लेके आया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत हैं पुलिस की वर्दी में, जिनसे लड़कियां कुछ तेज आवाज में बात कर रही हैं और उन लड़कियों को ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं यहां का टीआई हूं और जितना कह रहा हूं उतना होना चाहिए, वरना एक के चक्कर में सबको जेल भेज देंगे। टीआई इस वीडियो में इतने गुस्से में हैं कि लड़कियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि मामला रेत खनन से जुड़ा हुआ है और धनलक्ष्मी कंपनी का मामला है। ट्रैक्टर वगैरह पे पुलिस ने कार्रवाई की थी और इसी सिलसिले में इमलिया गांव गई थी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए। घर की महिलाएं और लड़कियां उलझ पड़ी। अब उसमें कौन असली आरोपी है और कौन नहीं, और क्या कोई आरोपी है तो घर की महिलाओं से पुलिस किस कदर और किस हद तक उलझ सकती है, क्या कहता है कानून, इस पे कहने और सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि मामले में जांच की जा रही है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।